कि आपको लग रहा है कि गोल्ड में एक बड़ी गिरावट आने वाले समय में आ सकती है, और कैलकुलेट करें तो 50,000 से अगर हम कैलकुलेट करते हैं रुपी टर्म्स में, तो करीबन 40,000 के नीचे गोल्ड का लेवल आ सकता है आने वाले। यूएस में महंगाई बढ़ने से बुलियन में भारी बिकवाली देखी जा रही है, सोने चांदी में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। इस वक्त आ रही है सबसे बड़ी खबर। तो आज अमेरिका में महंगाई के आंकड़े जारी होंगे, उम्मीद है कि वहां पर महंगाई कम होगी। उससे पहले मार्केट बहुत रेंज में है, गोल्ड का बाजार 86 रुपी ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज यूएस में रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे और माना जा रहा है कि वहां पर महंगाई में कमी आ सकती है। फंडामेंटल अगर अभी भी देखें तो जो रिसेशन स्लो डाउन है और चाइना में वापस लॉकडाउन हुआ है, तो वो डिमांड डिस्ट्रक्शन की वजह से ही प्राइसेस हम देखें तो नीचे आ रहा है। बट अगर सामने देखें तो सप्लाई जो है उसमें भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट आ रहा है। जैक्सन होल में फेड चेयरमैन के बयान के बाद से लगातार गोल्ड में दबाव दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में तो ट्रेंड कमजोरी का तो है ही, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी टेक्निकल चार्ट पे काफी कमजोर दिख रहा है, ऐसा कुणाल मानते हैं। कुणाल हमारे साथ है। कुणाल बताइए, क्या ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि गोल्ड में एक बड़ी गिरावट आने वाले समय में आ सकती है, और कितनी गिरावट आ सकती है? जहाँ पे करंट स्ट्रक्चर्स के हिसाब से ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले 2 से 3 साल एक बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। टेक्निकल टर्म्स अगर हम टारगेट असाइन करते हैं तो करीबन 30-35% का एक ड्रॉप आ सकता है, जो अगर हम रुपी टर्म्स में कैलकुलेट करें तो 50,000 से अगर हम कैलकुलेट करते हैं रुपी टर्म्स में, तो करीबन 40,000 के नीचे गोल्ड का लेवल आ सकता है आने वाले।